हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कुछ क्लीनिंग टिप्स जो कि हमारे किचन में घर में बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। और ये मुझे 15 दिन पहले मैंने इसे साफ़ करके देखा था कई चीज़ें, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये टिप्स। सबसे पहले मैं साफ़ करने वाली हूँ सोफ़ा। ये साइड में कुछ टेप वगैरह लगा दिया था यश ने और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा निशान सा पड़ गया। ये काफ़ी टाइम से इसको मैं हटाने चाह रही थी पर ये हट नहीं रहा था, तो इसको ये मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। ये तारपीन ऑयल है, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। और तारपीन ऑयल ये हार्डवेयर शॉप पे नहीं तो पेंट वगैरह की शॉप पे मिल जाता है इजीली, और ये बहुत सस्ता आता है और इससे ये सोफ़ा बहुत आराम से ही क्लीन हो गया। ये देखिए इस तरीके का, ये कितनी गंदगी निकल रही है। और इसके अलावा चाहे आप ऐसे भी नॉर्मल क्लीनिंग भी करना चाहें तो हो सकता है। बाकी अगर किसी सामान पे से आप स्टिकर निकालते हैं तो निशान जो पड़ जाता है वो भी बहुत आसानी से इसे साफ़ हो जाएगा। और ये पूरा क्लीन हो गया और आप इस तरह और साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद स्विच बोर्ड पर आते हैं। स्विच बोर्ड जैसे हम बहुत सारी चीज़ों से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किचन के जो स्विच बोर्ड होते हैं ऑयली हो जाते हैं तो उसमें साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं तारपीन ऑयल एक टॉवल में ले रही हूँ, बस मॉइस्ट कर रही हूँ टॉवल को, गीला नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ ध्यान रखें। और जब भी आप स्विच बोर्ड या बिजली का कोई भी सामान का काम करें चप्पल पहन लें, पॉसिबल हो तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें, मीटर डाउन कर दें। और इसको मैं अच्छी तरह से रब कर रही हूँ जिससे बिल्कुल ही ये बिल्कुल हल्का सा मॉइस्ट रहे, बिल्कुल पानी जैसा ना रहे। और उसके बाद मैं इसको जेंटली रब कर रही हूँ। और मैंने स्लीपर पहन रखी है और बिजली का काम करने में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। और इस पर इतनी जेंटली मैं रब कर रही हूँ और ये ऑयल बिल्कुल आराम से बाहर आ रहा है। और ये 15 दिन पहले मैं कुछ साफ़ कर रही थी तो इससे मैंने साफ़ करके देखा तो साफ़ हो गया। तो इसकी वजह से मैंने 15 दिन तक अपनी किचन की टाइल्स वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं की, क्योंकि बिफ़ोर आफ्टर जिससे आपको पता लगे। और ये इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल रहा है। पहले भी मैं साफ़ करती थी ऑयल वगैरह तो, लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी, इतनी इजीली नहीं निकलता था। अब ये बहुत इजीली स्विच वगैरह से साफ़ हो रहा है। और ख़ास करके अगर कहीं पेंट वगैरह का निशान हो तो भी आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अब जैसे स्विच बोर्ड के साइड वगैरह में, स्विचेस के साइड वगैरह के लिए आप जो ईयरबड्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी तीली में आप रुई लपेट के इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको डिप कर रही हूँ इसमें तारपीन के तेल में। उसके बाद मैं इसको इस टिश्यू में, एक्स्ट्रा ऑयल है ये इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, हल्का सा मॉइस्ट होना चाहिए, आपको इसमें गीला नहीं रखना है। और कोशिश करें स्विच वगैरह आप ऑफ कर दें तभी इस टाइप का काम करें। और इस तरीके से ये साइड साइड की भी गंदगी आराम से निकल रही है और स्विच बोर्ड मेरा बिल्कुल बहुत ही आसानी से क्लीन हो गया। और ये बहुत आसान तरीका है, आप कहीं का भी स्विच बोर्ड इससे क्लीन कर सकते हैं। अब आते हैं किचन की टाइल्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए 15 दिन से किचन की टाइल नहीं साफ़ की है और किचन की टाइल मेरी बहुत ऑयली हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से सारी शाइन ख़त्म हो चुकी है। ये एक्चुअली इसमें अभी दिख नहीं रहा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ऑयल इसके ऊपर है। और ये मैंने लिया है एक टिशू पे लिया है तारपीन का तेल, आप चाहे तो कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा ऑयली है। अगर आपकी किचन में टाइल्स कितनी भी ज़्यादा ऑयली हो, कितने साल का भी ऑयल हो, आराम से निकल जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना आसानी से कैसे साफ़ हो सकता है। ये देखिए ऑयल, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 15 डेज से मैंने टाइल्स को क्लीन नहीं किया, बस हल्का कपड़ा में मार देती थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने इसको जो मैं नॉर्मल क्लीन करती थी डेली वो नहीं किया। और ये कितना सारा ऑयल निकल रहा है। तो आपकी किचन की टाइल्स कितनी भी ज़्यादा ऑयली हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं किचन अप्लाइंसेस की तरफ। इसको भी मैंने साफ़ नहीं किया 15 दिन से और एज इट इज़ किचन में रखा हुआ था। और ये देखिए कितना ऑयल की लेयर इसके ऊपर जमी हुई है। और इस टाइप की अगर अप्लाइंसेस में गंदगी आ जाती है तो देखने में बहुत गंदा लगता है और साफ़ करने में और झंझट। इसके लिए मैंने हल्का सा टिशू पे लिया है तारपीन ऑयल और इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और इतनी जेंटली क्लीन हो रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब धूल भी इतनी आसानी से नहीं साफ़ होती। अगर आप धूल को किसी कपड़े से, वेट क्लॉथ से क्लीन करें वो भी इतनी आसानी से नहीं साफ़ हो रहा है होता है जितनी आसानी से ये ऑयल बिल्कुल साफ़ हो रहा है। और ये पूरा साफ़ हो गया और ये आप देख सकते हैं टिशू कितना गंदा हो गया। 15 डेज में इतना बुरा हाल हो जाता है अगर रेगुलर ना साफ़ करें किचन को। मैं सोच रही हूँ अगर 1 महीने के लिए मैंने छोड़ दिया तो फिर तो किचन ही नहीं पहचान आएगा। ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो भी इसके ऊपर गंदगी थी वो आराम से निकल गई। और उसके बाद अब ये मिक्सी फिर से नई जैसी हो गई। और आपके किचन में जो भी अप्लाइंसेस वगैरह हो आप इससे आराम से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा ये स्टिकी सा निकला है और ये बिल्कुल नए जैसे चमक रही है मिक्सी।
इससे आप इस टाइप के जो भी आपके पास अप्लाइंसेज वगैरह हो आप साफ़ कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक मिक्सी रखती हूँ तो मेरे लिए इतना झंझट नहीं है, और बिल्कुल नई जैसी मिक्सी हो गई। अब आते हैं हम किचन कैबिनेट की तरफ। इसको भी मैंने ऐसे साफ़ नहीं किया और हाथ बार बार लगने से ये गंदा हो जाता है, और वाइट के ऊपर ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि ऑयल के और जो भी हाथ वगैरह के निशान। अब इसको मैं साफ़ करती हूँ। इसको साफ़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अगर रेगुलर ना साफ़ करें तो। इसके लिए ये मैंने वही टर्पिन ऑयल लिया और इतनी ईजिली इसमें से ऑयल निकल रहा है कि आप जैसे आपके किचन में इस टाइप के कैबिनेट्स वगैरह हो तो आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना गंदा और निकल रहा है, और जो इसके हैंडल वगैरह गंदे हो जाते हैं उनको भी आप बहुत ही ईजिली इसे साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही जेंटली रब करने से ये पूरा क्लीन हो गया, और अब मुझे ये टेंशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दो चार दिन नहीं भी साफ़ कर पाए तो भी आराम से इसे साफ़ हो जाएगा। नहीं तो ये रहता था कि डेली चाहे कितना भी काम हो तो आपको कैबिनेट साफ़ करना मुझे ज़रूरी हो जाता था, नहीं तो फिर दूसरे दिन गंदा ज़्यादा हो जाता था। अब मुझे ये पता लग गया तो मैं छोड़ भी सकती हूँ उस दिन। और उसी तरह हम आते हैं, जैसे कि अगर आपके किचन में बर्तन स्टैंड हो या कोई स्टील का स्टैंड हो या इस टाइप की कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए भी आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इसको भी मैंने क्लीन नहीं किया था। किचन की हर चीज़ ऑयली हो जाती है, चाहे आप कितना भी आपके किचन में चिमनी हो, एग्जॉस्ट हो, विंडो हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑयली तो होती है अगर आप रेगुलर क्लीन ना करें तो। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है इस टाइप से अगर हो जाए तो, ये देखिए कितनी आसानी से क्लीन हो गया। और जो आपके किचन के बास्केट्स होते हैं, ट्रॉली वगैरह होती है, उसको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं, बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगा। ये साफ़ हो चुका है बिल्कुल, और अभी मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया, हल्का सा किया। और उसके बाद ये जो प्लेट स्टैंड था इसको भी मैंने क्लीन कर लिया, ये भी ऐसे साफ़ हो गया। उसके बाद हम आते हैं लकड़ी के फर्नीचर वगैरह पे। ये पॉलिश लकड़ी का फर्नीचर है, इसके ऊपर ऐसे यश ने टेप या पता नहीं क्या लगा रखा था, ये ग्लू टाइप का है, निकल नहीं रहा है, और उसको मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। ये दिखाती हूँ मैं आपको, और इसको मैं स्क्रैच कर नहीं सकती थी क्योंकि पॉलिश किया हुआ है, तो इससे इतनी जेंटली मैंने रब किया और ये निकल गया। मतलब अब ये फर्नीचर, जैसे आपके घर में कोई भी लकड़ी का फर्नीचर हो, कुछ हो, अलमारी वगैरह हो, तो उससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और ये पॉलिश का काम भी करता है लकड़ी के फर्नीचर वगैरह के लिए, बिल्कुल नए जैसी शाइन आ जाएगी। ये देखिए ये जो निशान था वो गायब हो गया, जबकि वो निशान काफ़ी टाइम से मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, बहुत हद तक मैंने हटाया था, लेकिन इसको मैं स्क्रैच नहीं कर सकती थी। अब आते हैं हम वॉश बेसिन वगैरह की तरफ। वॉश बेसिन वगैरह पे, टैप वगैरह पे जैसे पानी का निशान पड़ जाता है जो कि आसानी से नहीं निकलता है, तो आप इसको, इसमें मैंने नमक डाला है 2 चम्मच और टर्पिन का तेल लिया है। उसके बाद मैं इसको इससे साफ़ कर रही हूँ। आप जब भी ये यूज़ करें तो आप ग्लव्स ज़रूर लगा लें। एक्चुअली मुझे अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा ग्लव्स का, लेकिन ग्लव्स लगा के ये सब काम करें। टर्पिन का तेल वैसे उतना नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, और ख़ास करके बिजली वगैरह के काम में बहुत सावधानी से करें। और उसके बाद अब मैंने इसको वॉश बेसिन को साफ़ कर लिया है। जो टैप्स वगैरह पे वाटर के निशान वगैरह आ जाते हैं तो आप इसको साफ़ करके किसी साफ़ कपड़े या टिश्यू पेपर से पोंछ सकते हैं। मैं इसको कपड़े से पोंछ रही हूँ, ये बिल्कुल जो भी पानी वगैरह के निशान थे, हार्ड वाटर स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारे निकल जाते हैं बहुत ईजिली। आपको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप किसी हार्श चीज़ से अगर आप इसको साफ़ करते हैं नल वगैरह को तो उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, इससे इसकी शाइन और बढ़ जाती है। ये वॉश बेसिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चमकने लगा। उसके बाद मेरे पास एक मग पड़ा था जो घर में पेंट हुआ था, उस समय ख़राब हो गया था, तो ये मग हमने ऐसे ही छत पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ करके देखती हूँ, मे भी साफ़ हो जाए। उसके लिए मैंने वही सॉल्ट लिया है और थोड़ा सा टर्पिन का तेल लिया है। अब मैं देखती हूँ कि हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें साफ़ हो गई, पेंट वगैरह भी साफ़ हो जाता है इससे, तो देखती हूँ मे भी साफ़ हो जाए। और ये मग एक तरह से हमने छोड़ ही रखा था ऐसी छत पे, पौधे में पानी डालने के लिए यूज़ करते, क्योंकि पेंट हुआ था घर में तो ये सारा ऐसे ख़राब हो गया था छींटे पड़ के, और ये इसे निकल रहा है आराम से। अगर ये तो मैंने सॉफ्ट वाला स्पंज लिया, आप चाहे तो थोड़ा हार्ड भी ले सकते हैं, हार्डली इसको स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जेंटली कर रही हूँ जिससे मग पे ज़्यादा स्क्रैचेज वगैरह ना आए। और बाल्टी वगैरह अगर आपके घर में गंदी है तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। ये तो खैर पेंट लगा हुआ है, देखती हूँ मैं, ये निकल रहा है पेंट इसका, इसको मैं थोड़ा और रब करूँगी तो ये निकल जाएगा और ये मग फिर से यूज़ में आ सकता है, क्योंकि इसका पेंट ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो इसी तरह आपके घर में भी कुछ प्लास्टिक के बर्तन वगैरह हो, ऑयल के कंटेनर जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, या कोई प्लास्टिक के डब्बे बहुत गंदे हो जाते हैं, उनको भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। अभी मैंने वो बनाया नहीं है क्लिप,
लेकिन आपका जैसे ऑयल कंटेनर के ऊपर बहुत सारा वो जम जाती है लेयर से, वो साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं पीतल के बर्तन पे देखती हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। इसके लिए मैंने पीतल की एक प्लेट ली है, ये पूजा की प्लेट है और ये ऑयल से गंदी हो जाती है मोस्टली, और इसको देखती हूँ मैं, ये इस पर भी काम कर रहा है, इसमें भी जो गंदगी है वो निकल रही है और ये बहुत ही आराम से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये काफ़ी यूज़फुल है। और मैंने इसको कपड़े पे यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो अगर कपड़े पे पेंट वगैरह लग जाए तो इसको यूज़ करके देख सकते हैं, शायद दाग निकल जाए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए कोशिश करूँगी बनाने की। तो ये बहुत हद तक साफ़ हो चुका है, अब इसके जो साइड साइड में निशान है वो बचा है, वो तो खैर ग्रूव्स टाइप का बना हुआ है, तो उसके लिए जैसे आपके पास अगर कोई मेटल ब्रश वगैरह आते हैं मार्केट में, तो मेटल ब्रश से आप साइड वाले जो भी काला काला सा थोड़ा सा निशान लग रहा है वो आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही हल्का सा रब किया और बहुत ही आसानी से ऊपर की गंदगी निकल गई। अब ये जो साइड साइड में काला काला सा लग रहा है उसे आप मेटल ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे और आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल रहेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।